हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी आप। मैं दुर्गेश यतुवंशी आप सभी का यूथ एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट वर्गमूल कम से कम समय में हम कैसे निकालेंगे। तो इससे सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि इकाई अंक क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या होती है। तो कुछ सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है आपको। इकाई अंक क्या होता है, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट लास्ट अंक हमेशा उसका क्या होता है, इकाई अंक होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2, 4, 3। तो मैं कभी आपसे ये पूछूं कि संख्या में इकाई अंक क्या है, तो सबसे आखिरी वाला अंक हमेशा क्या होगा, उसका इकाई अंक होगा। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा। अब इसका हम यूज कहाँ करेंगे, इसका हम यूज स्क्वायर रूट में निकालेंगे। तो सबसे पहले आपसे सिंपल सा ये है कि हमको ये स्क्वायर पता है ना, अगर ये स्क्वायर पता है तो स्क्वायर रूट आप आसानी से निकाल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे ये करूँ कि बताओ जो संख्या है 6, इसका स्क्वायर क्या होगा, 36 होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ ये 36 जो नंबर इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आपने बोला सर इसका इकाई अंक 6 होगा। अगर मैं यहाँ पर 7 बताऊं कि 7 का स्क्वायर क्या है, 49, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 9 होगा। और 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने ये देखा कि यहाँ पे जो इकाई अंक 4 है वो यहाँ पे भी आ रहा, देखो 2 के स्क्वायर में भी आ रहा, और यहाँ पे बैठा इकाई अंक 9 है, तो इकाई अंक 9 कहाँ पे आ रहा, यहाँ पे भी आ रहा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 81 में इसका इकाई अंक क्या है, तो 1 आया, देखो 1 यहाँ पे भी आ रहा है और 1 यहाँ पे भी आ रहा। तो इससे क्या निष्कर्ष ये निकलता है कि किसी भी संख्या जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ऐसा नंबर जो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका इकाई अंक का अंक क्या क्या हो सकता है। उसका इकाई का अंक 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, या 5 हो सकता है। इसके ये अंकों को छोड़कर कभी भी कोई संख्या का इकाई अंक अगर इनके अलावा आया, तो वो संख्या अपने आप में क्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो इससे हमारा निष्कर्ष ये निकलता है कि ये जो संख्या है जिसके इकाई अंक लास्ट का अंक 1, 4, 9, 6, 5 अगर आता है, तो वो अपने आप में क्या हो जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने आपसे बोला कि 11 का स्क्वायर क्या, सर 11 का स्क्वायर 1, 2, 1 होगा, तो लास्ट डिजिट क्या आ रहा है इसका, 1। हाँ, ये अपने आप में क्या स्क्वायर है। अगर मैं आपसे पूछ 12 का स्क्वायर बताओ, 12 का स्क्वायर 1, 4, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, 4 है, तो अपने आप में क्या ये कहेंगे। अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या ये नंबर किसी का स्क्वायर हो सकता है, हाँ हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या 9 आ रहा है, ठीक। तो ये आपको सबको पता है, तो आगे हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इससे क्या जानकारी मिलती है हमको, इससे ये जानकारी मिलती है कि जो इकाई अंक 1 है वो कौन कौन से नंबर में बैठा। सबसे पहले ये देखते हैं, इकाई अंक सर यहाँ पे बैठा 1, नंबर क्या आएगा आपका, 1 आ गया, ठीक। और देखो इकाई अंक आपका 1 कहाँ बैठा है, सर 9 में बैठा, तो नंबर क्या आएगा आपका, 9 आ गया। बस इतना आपको बनाना है, आप करना कुछ भी नहीं, इसको देखना नहीं ना, डायरेक्ट क्या करना है, ये वाली साइड को हमेशा आपको बढ़ाना है, डिक्रीज करना है, सॉरी डिक्रीज नहीं इंक्रीज करना है, और ये वाली साइड को हमेशा डिक्रीज करना, घटाना है। तो क्या 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक। अब ये वाली साइड को मैंने बोला था सर आपको डिक्रीज करना, तो 8, 7, 6 और ये 5। तो हमको क्या पता चल रहा कि सर जो एक इकाई अंक है वो किस किस संख्या में आ रहा, 1 और 9 में आ रहा। 4 इकाई अंक किस संख्या में आ रहा, सर 2 और 8 में आ रहा। 9 इकाई अंक किस में आ रहा, 3 और 7 में आ रहा। 6 इकाई अंक किस में आ रहा, 4 और 6 में आ रहा। 5 इकाई अंक किस में आ रहा, ओनली 5 में आ रहा, ठीक। अब इसका यूज हम कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट निकालने में इसका यूज हम कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देखो ना। तो हम एक सिंपल सा एक इस नंबर ले लेते हैं 576। 576 का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे, वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर जो भी नंबर बैठा रहेगा ना, उसमें से आखिरी के 2 अंक आपको लेना है, सिर्फ आपको 2 अंक ही लेना है, 2 से ज्यादा नहीं लेना है, ठीक। यहाँ पे हमने 2 अंक ले लिया, ओनली 2 अंक लेना है। अब इस अंक में क्या करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट में हम क्या करेंगे कि जो आखिरी का जो अंक बैठा है ना यहाँ पे, ठीक, आखिरी का जो अंक है इससे मतलब है हमको, आगे वाली संख्या से कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि 6 जो इकाई अंक है, देखो सबसे पहले 6 इकाई कौन कौन से नंबर में बैठा, सर 6 इकाई आपका 4 और 6 में आ रहा। तो क्या करना है आपको कि 6 जो इकाई अंक है वो किस नंबर में आ रहा, आपका 6 इकाई 4 में आ रहा है, वो लिख दिया आपने, और 6 इकाई किस में आ रहा, 6 में आ रहा है,
ठीक, ये पहली अपना पहली स्टेप आपने क्लियर कर ली। अब आगे क्या करना है कि इसका काम खत्म, भैया इकाई लेने का इसका काम पूरा आपका क्या हो गया, खत्म हो गया है। अब यहाँ पर जो भी नंबर बैठा है, क्या करना है आपको, हमको ये देखना है कि सर इससे छोटा वर्ग कौन सा होगा, पांच से छोटा वर्ग कौन सा होगा। पांच से छोटा वर्ग अगर हम नौ लेते हैं तो ये बड़ा हो जाएगा ना, तो पांच से छोटा वर्ग किसका हो सकता है, चार का हो सकता है और एक का भी हो सकता है। तो ले आपको क्या करना है, इसके लगभग देखना है, तो इसके लगभग क्या कौन सा नंबर आया, चार। लेकिन चार किस संख्या का है ये देखना है, तो चार हमने देखा ये दो नंबर दो का हो रहा ना, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका क्या है कि सर आपको ये देखना है कि जो पांच जो नंबर है आप यहाँ पे फाइव जो नंबर होगा वो किन दो संख्याओं के बीच में हमको मिलेगा ये देख लो। तो हमने देखा दो का स्क्वायर कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा, तीन का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, नौ हो जाएगा। तो पांच कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में हमको मिलेगा एक नंबर। तो क्या करना है, हमेशा आपको छोटा नंबर लेना है भैया, छोटा नंबर लेना हमेशा। तो छोटा नंबर कौन सा होगा, दो होगा। तो आपको क्या करना है, यहां पे दो यहां लिखना है और दो यहां लिखना है, ठीक। अब यहाँ पे दो लिख दिया, दो यहाँ पे लिखना। आप डिसाइड कैसे करेंगे कि सर हमारा जो आंसर आया वो 24 होगा स्क्वायर रूट या 26 होगा, तो क्या करना, आपने जो दो लिखा ना इसको यहाँ पे भी लिखना आपको एक बार, ठीक। लिख दिया अपन ने, अब यहाँ पे क्या करना कि यहाँ पे जो भी नंबर बैठेगा उसमें से एक संख्या बढ़ाकर आपस में मल्टीप्लाई करना है। दो के बाद कौन सा नंबर होगा, तीन, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया, सिक्स आ गया, ठीक, सिक्स आ गया। अब क्या करना है, ये जो नंबर, क्योंकि इसका देखो इसका काम तो हमें से इकाई अंक लेने के बाद खत्म हो गया है, इसका काम इकाई अंक लेने के बाद खत्म हो गया। अब ये वाले नंबर में आपस में क्या करना है, कंपैरिजन करना है, तुलना करना है। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है, ये अपनी संख्या है, ये अपनी संख्या है, इस संख्या के ऊपर ही पूरा गेम है अपना ना। अब तुलना कैसे करना है कि इसमें से कौन सा अंक बड़ा है या छोटा है, ठीक, ये देखना आपको। यहाँ पे क्या बैठा, फाइव, ये अपनी संख्या है, और यहाँ पे क्या है, सिक्स। अच्छा ये बताओ कि इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है, इसमें पांच और छह में छोटा अंक कौन सा है, पांच है। लेकिन पांच क्या अपनी संख्या है, तो पांच सबसे छोटा अंक है, तो हम क्या लगाएंगे, छोटा हम लिखेंगे आंसर में। तो 576 किसका हो जाएगा, उसका 24 का हो जाएगा। तो मैंने आपको ये बताया है, आगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, उससे थ्रू और भी अच्छा आपको समझाया जाएगा ना। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं 1024 का स्क्वायर, 1024 का सॉरी स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहली कंडीशन क्या, पीछे से हमेशा आपको दो अंक लेना, दो से ज्यादा नहीं लेना। अब ये अंक हमने दो ले लिए हैं, इस इन अंकों में सबसे आखिरी वाला अंक कौन सा बैठा है, चार। इससे मतलब है, आगे वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है ना अपने को। तो चार जो अंक है, ये बताओ चार इकाई कौन कौन से नंबर में आ रहा है, चार इकाई देखो दो और आठ में आ रहा है, तो दो और आठ को लिख दो फटाफट, दो और आठ। थोड़ा ध्यान रखना, अगर ये इकाई अंक है, अगर ये हमने इकाई अंक लिया है, तो ये जो आने वाले अंक है वो भी हमारा जो आंसर होगा उसका क्या होगा, इकाई अंक होगा, ठीक। आप क्या करना, इससे छोटा आपको वर्गमूल सोचना सर, इससे छोटा वर्गमूल कौन सा होगा, थ्री का क्या हो जाएगा आपका, सॉरी वर्गमूल नहीं, वर्ग सोचना, थ्री का कितना हो जाएगा आपका, नाइन, फोर का कितना हो जाएगा, सिक्सटीन हो जाएगा। तो हमेशा बड़ा नहीं लेना आपको, छोटा लेना लगभग। तो हमने नाइन हमारा यहाँ पर चलेगा, तो नाइन किस संख्या का है, तीन है, तो तीन यहाँ पे भी लिखना आपको बारी बारी से, तीन यहाँ पे लिखना। अब हमारा नंबर या तो 32 होगा या 38 होगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो तीन लिखा ना इसको एक बार यहाँ पे भी लिख दो। अब मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे एक संख्या बढ़ाकर आपस में गुना कर दो, चार तीन 12 हो जाएगा आपका, ये इसका काम खत्म, इकाई लेने का इसका काम खत्म होगा। अब क्या करना, तुलना करना भाई, ये फिर बता रहा हूँ, ये अपनी संख्या है, इसके ऊपर पूरा गेम पूरा टिका हुआ है ना। अब तुलना कैसे करना है, यहाँ पे अपनी संख्या 10 है, यहाँ पे कितना है 12 है, अपनी संख्या ये वाले अंक से छोटी है कि बड़ी है, छोटी है, तो इसमें छोटा वाला अंक कौन सा आएगा, 32। तो 1024 का जो स्क्वायर रूट आएगा, वर्गमूल आएगा, कितना आएगा, 32 हो जाएगा। तो 32 इस सवाल का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। आगे हम और इससे बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। अगला हम ले लेते हैं 2601, 2601 का स्क्वायर रूट क्या होगा। सबसे पहली कंडीशन क्या, सर पीछे से दो अंक ले लो, ठीक,
पीछे से आपको हमेशा मिनिमम दो अंक लेना है, मतलब लेना है। इसका काम क्या है, इसका इकाई अंक देखो, वन इकाई अंक, एक इकाई अंक, कौन कौन संख्या में आ रहा है सर, एक इकाई अंक यहाँ पे बैठा, संख्या क्या लिखेंगे, एक और नौ लिख देंगे, हाँ ये एक और अपन ने क्या लिख दिया, नौ। अगर ये इकाई अंक है तो आने वाले भी जो हमारे आंसर है उसका क्या होगा, इकाई अंक होगा। प्लीज मैंने क्या बताया था कि इसके लगभग आपको स्क्वायर सोचना है, कम लेना है, तो इसके लगभग हमने ये देखा सर कि पाँच का स्क्वायर क्या हो गया, 25 हो गया, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा आपका, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो क्या करना है हमको, लगभग इसके देखने से लगभग कौन सा नंबर छोटा होगा सर, 5 का स्क्वायर होगा 25, लेकिन 25 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5 नंबर, 5 यहाँ पे लिखना है, 5 यहाँ पे भी लिखना है, आप क्या बताया था, 5 यहाँ पे भी लिखना है, लेकिन एक संख्या यहाँ पे बढ़ा के गुना करना है आपको, 5 6 कितना आएगा, 30। फिर वही का वही तरीका, इसका काम खत्म इकाई अंक लेने के बाद, अपनी संख्या 26 है, और ये कितना है, 30 है, अपनी संख्या बड़ी है कि छोटी, इससे बताओ, अभी छोटा है तो इसमें छोटा वाला अंक कौन सा हो जाएगा, 51 इस सवाल का अपना आंसर होगा। ठीक, तो अभी आपने क्या देखा, अभी आपने ये देखा कि सर यहाँ पर जो नंबर आया है या तो कम वाला आया है या फिर ज़्यादा वाला आया, बाई चांस कभी ऐसा हुआ कि सर यहाँ पर दोनों नंबर इक्वल हो गए, इक्वल हो गए, तो उस कंडीशन में हमारा आंसर कैसे डिसाइड करेंगे ये देखते हैं ना अपन। आपका अगला एग्जांपल रहेगा 1296, ये ऐसा नंबर है जो इसमें आपका जहां पे आपको दिक्कत आएगी निकालने में, ये ऐसा नंबर है। तो सबसे पहली कंडीशन, पीछे दो अंक ले लो, सबसे पहले आपको दो अंक लेना है, लेकिन दो अंक में लास्ट वाला अंक क्या है, 6। 6 इकाई अंक किस में आ रहा है, 6 इकाई अंक आपने देखा सर 4 और 6 में आ रहा, तो हम 4 और 6 फटाफट लिख देंगे। ठीक, इसके लगभग हम स्क्वायर सोचेंगे, इसके लगभग हमने स्क्वायर देखा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हमने देखा 9, हाँ तो क्या लेंगे हम, 9 नहीं लेंगे हम, जिस संख्या का स्क्वायर वो लिख दो, 3 यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा, और 3 हमको यहाँ लिखना, एक संख्या बढ़ा के गुणा कर दो, कितना आएगा यहाँ पे, 12 आ गया। तो आपने ये देखा, इसका काम इकाई अंक लेने के बाद खत्म। आपने यहां पे ये देखा सर, ये नंबर भी बराबर और ये नंबर भी बराबर। ठीक, अब दोनों कंडीशन में बराबर इक्वल हो गए, तो हम आंसर कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा आंसर 34 होगा या 36 होगा। तो जब भी याद रखना, लगभग आपका 0.1% ऐसा केस बनेगा, तो हमेशा याद रखना जब भी ये नंबर आपके इक्वल आ जाएंगे तो हमेशा आपको ग्रेटर नंबर लेना है, ग्रेटर नंबर लेना, ग्रेटर नंबर लेना है, आपको बड़ी संख्या लेना है, हमेशा आपको बड़ी संख्या लेना है। तो 34 और 36 में से बड़ा नंबर कौन सा होगा, 36। तो हमारा आंसर क्या होगा, 36 इस सवाल का सही आंसर होगा। ठीक, ये तो आप ये क्लियर करवा दिया मैंने कि कभी भी अगर यहाँ पे इक्वल आएगा तो हमेशा आपको ग्रेटर नंबर लेना है, मतलब लेना है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, अगला एग्जाम्पल रहेगा आपका 77 44। 77 44 किसका स्क्वायर रूट होगा, सबसे पहली कंडीशन वही कि पीछे से आप दो अंक ले लो भैया, दो अंक में लास्ट वाला अंक हमने देखा, अच्छा 4 इकाई किस में आ रहा, 4 आपने देखा कि 2 और 8 में आ रहा, तो 2 और 8 हम लिख देंगे, 2 और 8 में लिख दिया। फिर क्या करना, किससे छोटा आपको वर्गमूल सोचना, तो हमने इससे छोटा वर्गमूल क्या लिखेंगे, 8 का कितना 64 हो जाएगा, 9 का कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, तो हमें से छोटा लेना है, तो 88 का कितना 64, हम तो कौन सा नंबर लेंगे, 8 लेंगे, तो हमने नंबर लिया 8, तो 8 को यहाँ लिखना है, 8 को यहाँ लिखना है, हमारा नंबर 82 होगा या 88 होगा हमको अभी पता नहीं है। फिर क्या करना है कि 8 यहाँ लिखना है और एक नंबर बढ़ाकर आपस में मल्टीप्लाई करना है, 9 8 कितना 72 हो गया, इकाई लेने का दीदी ये अंक पूरा काम खत्म हो गया। अब क्या करना, वही तरीका है कंपेरिजन करना, तुलना करना आपको ना, कि अपना नंबर ये अपनी संख्या के ऊपर खेल है, अपना नंबर 77 या 72, अच्छा ये बताओ कि अपना नंबर इसमें से बड़ा है या छोटा है, तो हमने ये देखा कि सर हमारा नंबर बड़ा है 77 है, तो इसमें बड़ा नंबर 82 और 88 में से बड़ा नंबर कौन सा है सर, 88, तो 88 इस सवाल का सही आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूँ, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, इससे लगभग हम बड़ा सा नंबर लेते हैं जाकि ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हो ना, क्योंकि ये तो सिंपल से नंबर है, आपको 77 44 अगर यहाँ पे 3 डिजिट से 4 डिजिट से भी अगर ज़्यादा नंबर आ गया, 5 डिजिट वाला आ गया, तो हम कैसे क्या निकालेंगे ये बताते हैं ना आपको। अगला हम ले लेते हैं 125 डबल फोर किसका स्क्वायर रूट होगा, हम ये निकालेंगे।
वही सबसे पहली कंडीशन क्या है कि हमेशा पीछे से आपको दो अंक लेना, दो अंक लेना ही लेना है, यहाँ पे तीन अंक आए उससे कोई मतलब नहीं, पीछे से आपको ओनली दो अंक लेना, दो से ज्यादा ना लेना ना अधिक लेना, दो से कम ना ज्यादा, फिक्स मतलब दो अंक, मतलब दो अंक ही लेना है आपको। फिर वही क्या वही तरीका कि सर चार इकाई किस नंबर में आ रहा, चार इकाई दो और आठ में आ रहा, तो बारी बारी से आप लिख दो, दो और आठ लिख दिया आपने, अच्छी बात है। फिर इस अब में क्या करना है कि इससे छोटा हमको क्या सोचना है, वर्गमूल सोचना ना, इससे छोटा हमको क्या सोचना है, सॉरी वर्गमूल नहीं वर्ग सोचना है, इससे छोटा हमेशा वर्ग किसका होगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं सर 125 किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में नंबर बैठा है, तो हमने ये देखा सर हमको ये पता है कि 11 का वर्ग कितना ऐसा 121 होता है और 12 का वर्ग कितना होता है 144 हो रहा, तो ये जो नंबर 125 इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होगा, हाँ तो इन दोनों के बीच में आ रहा, तो हमेशा क्या लेना है आपको छोटा नंबर लेना, तो छोटा नंबर हमको इनमें से 121 तो ये नहीं लेना है, 121 किसका स्क्वायर ये देखना है आपको, तो 121 किसका हो जाएगा 11 का हो जाएगा, तो 11 आपको यहां लिखना है, बारी बारी से लिख दो 11 यहाँ पे आना, 11 ओनली याद रखना कि 11 पीछे नहीं लिखा जाएगा ना, क्योंकि ये अगर इकाई अंक है तो आने वाले ये दो अंक भी किसी हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, इकाई अंक हो गए। अब क्या करना है, इसका काम खत्म। फिर आप क्या करना है, यहाँ पे 11 यहाँ पे भी लिखना है आपको, एक संख्या बढ़ा दो, 11 × 12 कर दो, एक संख्या बढ़ा, तो कितना आएगा 132। फिर वही की वही कंडीशन, तुलना करेंगे हमेशा, कंपैरिजन करेंगे, ये हमारा जो नंबर है 125 है, ये अपनी संख्या है, इसके ऊपर पूरा क्या है आपका खेल हो गया, ठीक, इसके ऊपर अपना पूरा खेल रहेगा ना, याद रखना अपना नंबर 125 ही है, 132। अच्छा ये बताओ अपने अपना नंबर इसे छोटा है कि बड़ा है, हाँ हमने ये देखा सर हमारा नंबर 125 ये नंबर से हमारा छोटा है, तो ये अपना नंबर छोटा है तो इसमें छोटा अंक कौन सा होगा, 112 और 118, सर 112 हमारा छोटा अंक है, छोटा नंबर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपने ये देखा चाहे 5 डिजिट का हो चाहे 6 डिजिट का हो, तो हम कैसे करेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 6 डिजिट का ना, फिर अब 6 डिजिट का इससे बड़ा भी अगर नंबर आएगा तो तरीका यही का रहेगा करने का, एक बड़ा सा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, (44), (9), (44) 21 संख्या का स्क्वायर होगा। वही कोई कंडीशन कि सर पीछे से दो अंक ले लो आप, सबसे पहले दो अंक ले लिया, लेकिन दो अंक ले लिया अच्छी बात है, इन दो अंकों में से लास्ट वाला अंक क्या जाएगा 4, हमें से ये लेना, 4 हमने देखा सर इकाई किस में आएगा, 4 हमने देखा इकाई 2 और 8 में आ रहा, तो हम बारी बारी से लिख दो, 2 और 8 आपने लिया, इतना क्लियर है, ओके। अब आगे क्या करना सर, इसके लगभग आपको स्क्वायर सोचना, तो इसके लगभग हमने स्क्वायर ये देखा सर, हमको ये पता है 21 का स्क्वायर 441 होगा, 22 का स्क्वायर कितना होगा 484 होगा, तो हमेशा आपको छोटा नंबर लेना है ना, तो कहीं ना कहीं 449 जो नंबर इन दोनों के बीच में आएगा, तो मैंने क्या बताया हमेशा छोटा नंबर लेना है, तो छोटा नंबर कौन सा आएगा 21 का, 21 आया था 21 आपको यहाँ लिखना है, 21 आपको यह लिखना, हमारा आंसर या तो 212 होगा या 218, अभी हमको नहीं पता। आप क्या करना है सर, 21 हमने लिखा तो 21 यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा ना, आप यहाँ पे क्या बताया था मैंने, यहाँ पे एक यहाँ पे 21 से एक जो संख्या होती है उसमें प्लस करके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 इसका आपस में मैंने मल्टीप्लाई किया तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 246 मैंने याद देगा 246 हो जाएगा आपका। फिर वही का वही तरीका, आपस में तुलना करेंगे, ये गुणा करके आई ये संख्या, ये अपनी संख्या है, ये अपनी संख्या, इसके ऊपर पूरा इसके ऊपर खेले, अब देखो तुलना करो, अपना नंबर 449 है 462 है, तो अपना नंबर इसमें छोटा है कि बड़ा है सर, इसमें से हमारा नंबर तो छोटा है, अगर ये छोटा नंबर आया है तो इसमें छोटा नंबर कौन सा होगा 212 और 218, छोटा नंबर 212 है, तो 212 हमारा इस सवाल का सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा, आज हमने ये सीखा कि स्क्वायर रूट हम किसी भी नंबर का कैसे निकालेंगे, ठीक, तो आपको बताना है कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है, इसमें कोई अगर कमी हो तो उसकी आप बता सकते हो, और रही बात हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर सकते हो। अभी मैंने आपको ये वीडियो में स्क्वायर रूट सिखाया, अगले वाले वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि क्यों घन किसी भी नंबर का हम कैसे करेंगे, ठीक, तो जब तक के लिए आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ओके, थैंक यू वेरी मच।